यूपी की सियासत में इन दिनों लाल टोपी को लेकर घमासान मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने टोपी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी के साथ टोपी का खेल ही निराला है। सिर पर लाल टोपी और पैजामे की जेब में सफेद जालीदार टोपी, इन दोनों टोपियों के बीच झूलती है एसपी। 2027 में 2017 दोहराएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के टोपी वाले बयान पर अब सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने पलटवार किया है। सिर्फ निराशा है, उनको मालूम है क्या आने वाले 2027 के चुनाव में उनका सफाया होने जा रहा है। यूपी की सियासत में इन दिनों लाल टोपी को लेकर घमासान मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने टोपी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी के साथ टोपी का खेल ही निराला है। सिर पर लाल टोपी और पैजामे की जेब में सफेद जालीदार टोपी, इन दोनों टोपियों के बीच झूलती है एसपी। 2027 में 2017 दोहराएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के टोपी वाले बयान पर अब सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने पलटवार किया है। सिर्फ निराशा है, उनको मालूम है क्या आने वाले 2027 के चुनाव में उनका सफाया होने जा रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.